भारतीय रेलवे यात्रियों को हर संभव सुविधा देने का वादा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी भीषण गर्मी में भी स्लीपर कोच पंखे नहीं चल रहे। मामला वाराणसी का है, जहां दरभंगा से आ रही पवन एक्सप्रेस के कई स्लीपर कोच में पंखे नहीं चलने से परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों के आरोप है कि जब से ट्रेन दरभंगा से चली है, पंखे काम नहीं कर रहे। पंखे नहीं चलने की कई बार अधिकारियों के साथ साथ ऑनलाइन शिकायत की गई, लेकिन रेलवे ने पंखे सही नहीं कराए, जिसकी वजह से यात्रियों ने वाराणसी में ट्रेन रोक दी और जमकर हंगामा किया। नाम है मेरा, कहाँ से आ रहे हो? दरभंगा से आ रहा हूँ। तो क्या दिक्कत है आगे ट्रेन में? प्लेटफॉर्म पर पंखा नहीं चल रहा है। तो क्या वजह ट्रेन रोकने की? पंखा नहीं चले, इसलिए ट्रेन रोके हम लोग। कितना देर हो गया पंखा चलने में? पंखा कल दरभंगा से नहीं चल रही, कल दरभंगा से 8 बजे गाड़ी खुली तो पंखा नहीं चल रही। किसी को कंप्लेन किया? कंप्लेन किया, हर जगह किसी को बोल के आया, बोलते हाँ हो जाएगा हो जाएगा। बस पवन एक्सप्रेस है, कहाँ जाना आपको? मुझे बॉम्बे जाना है। कितनी बार कंप्लेन किया? कितनी बार कंप्लेन किया? अरे कल से कम से 500 बार किया कंप्लेन, इसे ऑनलाइन भी कंप्लेन किया, उसका भी नंबर आपको दे चुका हूँ। टीटी आता है, टीटी को हम कंप्लेन किए हैं, वो क्या बोल रहा है कि हम फोन कर दिए हमारा काम हो गया है, ट्रेन जाए चाहे नहीं जाए हमको कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए सरकारी, अभी आप क्या चाह रहे हैं? हमारा पंखा चालू करके दे, इतनी बड़ी गर्मी में हम लोग कैसे जाएंगे? मुंबई जाना है, यहाँ तो है नहीं कि बस वाराणसी। गर्मी बहुत है, हम लोग को पता चाहिए, साफ सफाई नहीं है काम में। मोहम्मद शाह आलम। हंगामे और ट्रेन न चलने की सूचना पर रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में पंखों को सही कराया गया। वहीं जब पंखा चलने लगा तब ट्रेन को हरी झंडी दी गई। गौरतलब है कि रेलवे ट्रेन में सभी सुविधाएं देने की बात करती है और ऑनलाइन शिकायतों पर तत्काल सुनवाई के दावा करती है, लेकिन आज इसकी पोल खुल गई जब दर्जनों शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशनाथ की रिपोर्ट।